मैं बहुत आग्रह पूर्वक कह रहा हूं जी त्रिपाठी जी, आप बात पूरी करिए, फिर मैं जोशी जी से तुरंत काउंटर पूर्वक कह रहा हूं। देखिए मैं तो जोशी जी को बहुत आग्रह पूर्वक कह रहा हूं, अगर सचिन और गौरव के साथ न्याय हुआ होता, अगर उनकी बहन की छेड़खानी की शिकायत सुनी गई होती और सचिन और गौरव के हथियारों पर कार्रवाई अगर की गई होती तो शायद मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं हुआ होता। और मुजफ्फरनगर के दंगे के आरोपियों को कैसे अपने सरकारी वायुयान में बुला करके अखिलेश यादव जी अपने मुख्यमंत्री आवास में उनको चाय नाश्ता करा रहे थे, ये बातें किसी से छुपी हुई है क्या? उत्तर प्रदेश के दर्जनों जिले आपके कार्यकाल में दंगे की भेंट चढ़े रहे हैं, क्या ये सच स्वीकार नहीं कर सकते हैं? गोरखपुर से लेकर के और गाजियाबाद तक उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम गिराओ। जोशी जी जवाब दीजिए कि सार्वजनिक मैं सब जवाब लेता हूं त्रिपाठी, किसी को नहीं होनी चाहिए त्रिपाठी जी, मैं जवाब लेता हूं को, मैं जवाब लेता हूं। जोशी जी त्रिपाठी जी, मुजफ्फरनगर की बात चल रहे हैं और ये वकील भी हैं, पूरा देश जानता है और वकील है तो जानते होंगे कोर्ट के फैसले का सम्मान करना भी जानिए। क्या क्यों क्या हुआ? आपके विधायक सैनी की सदस्यता चली गई क्योंकि वो दंगे करवा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के जो दाग हैं वो निकले वहां पर कोर्ट के द्वारा और उसको जनता की अदालत में समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आप लोगों को वहां जनता की अदालत में हमने हराने का काम करा और आज भी जब जरूरत पड़ेगी संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, बचाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। अगर कोई भी भावना ऐसी आई किसी धर्म जाति वर्ग को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, समाजवादी पार्टी नहीं, आप सार्वजनिक तौर पर हथियार लेकर संघर्ष करेंगे क्या? मुकाबला सड़क से लेकर सदन तक करेंगे। हम लोग आप प्रदेश बताइए ना, इस प्रदेश के स्वभाव के लिए, इस प्रदेश के स्वभाव के लिए नेताजी ने कुर्बानी करने का काम करा था और जानते हैं इस प्रदेश के स्वभाव को खत्म करने के लिए कौन जेल गया था? हथियारों की जरूरत चाहिए क्या? हथियारों की जरूरत हम क्या कह रहे हैं के लिए, शांति के लिए मुझे बताइए हथियार त्यागने चाहिए क्या रहना चाहिए? लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार की बहस में आप लोग बात कर रहे हैं। देश में हथियारों को मुझे बताइए, अरे क्षेत्र के अंदर हथियार लेके चलने की जरूरत क्या है भाई? आप मुझे बताइए ना, आप मुहर्रम मना रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, यहाँ पे सारे के सारे पार्टियां लगातार एक ही बात कही जा रहे हैं कि संविधान खतरे में आ गया। अरे भैया हथियार लेके जाओगे तो संविधान खतरे में, तब लड़ोगे ना? अभी शांति से अपने धर्म को प्रदर्शन करने का प्रयास करें। आप मुहर्रम मना रहे कोई दिक्कत नहीं है, अभी कहा गया दानिश कुरैशी साहब के द्वारा कि यहां पर कोई वायलेंस ही नहीं हुआ। मैं अभी देख रहा था 2017, 18, 22 वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, सब जगह वहां पर, अगर इनको पढ़ना नहीं आता है ना, मुझे समझ नहीं आता, पढ़ते नहीं है, जाके पढ़ लो इंटरनेट पे मिल जाएगा कितने कितने वायलेंस हुए, कहां हुए, दिल्ली से लेकर श्रीनगर से लेकर बीच में एक दिन खोल दिया गया था, वहां तक मुहर्रम के समय वायलेंस हो गया। सरकार ने इतनी सुंदर व्यवस्था, सबके लिए बराबर समान व्यवस्था, आपको क्यों स्पेशल? मौलाना साहब क्या परेशानी है? बिना हथियार के, बिना अस्त्र शस्त्र के अगर कोई जुलूस निकले तो उससे क्या सौहार्द बिगड़ जाएगा? सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूं कि योगी जी ने जो ये आदेश जारी किया है उसका सच्ची बात यह है कि स्वागत करना चाहिए, वो स्वागतीय है। किसी भी धर्म के लोग, चाहे वो जिस परंपरा को भी मानता हो, ऐसे हथियारों का प्रदर्शन करना जिससे दूसरे के दिल में भय और खौफ पैदा हो और एक ऐसा वातावरण बने जिससे दूसरा अपने को कमतर समझने लगे, कतई तौर पे इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है और किसी भी देश में या धर्म में इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये एक बात है जो उसूली बात है। दूसरी बात यह है कि इस्लाम के अनुसार सिर्फ हमारे दो पर्व हैं, एक ईद, ईद उल फित्र जिसको कहते हैं, और दूसरा ईद उल अज़हा। मुहर्रम जो है ये भारतीय परंपरा में मुसलमान इसको मनाते हैं, मुहर्रम इस्लाम का कोई पर्व नहीं है। जो लोग भी या हमारे देश के जो मुसलमान भी इसमें इस मौके पर जो जुलूस निकालते हैं और उसमें चूँकि हजरत हसन अलैहिस्सलाम की रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की इस दिन शहादत हुई थी, उस गम को मनाने के लिए वो लोग बाहर निकलते हैं, उस गम की याद में ऐसी कोई मिसाल हमारे सामने अब तक नहीं आई है कि हथियार इस तरीके से निकाला गया हो जिससे दूसरे के अंदर खौफ और खौफ का माहौल पैदा हुआ हो। इस्लाम की या मुसलमानों की भारत में ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है। आचार्य विक्रमादित्य जी, देखिए मौलाना साहब तो कह रहे हैं कि हथियार दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन AIIM के लोग या फिर भुवन जोशी जी इसका स्वागत नहीं कर पा रहे हैं। जो मौलाना जी ने बोला है इन दोनों के ऊपर वास्तविक तौर पर तमाचा है, ये सही तमाचा है। मुझे बहुत स्वागत योग्य है मौलाना साहब का यहाँ जो वक्तव्य दिया है, जबरदस्ती एक जबरदस्ती हिंसा की बात कर रहे हैं इस देश में। मुझे बताइए दानिश कुरैशी ने तो इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया, मुझे आश्चर्य हुआ। जगन्नाथ जी की यात्रा में हथियार,
हद है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या मेंटेलिटी लेकर, किस विचार को लेकर टीवी पर बैठे हैं जगन्नाथ जी की यात्रा में, जहां आगे दर्द चलता है वहां झाड़ू लगाई जाती, झाड़ू झाड़ू करके साफ किया जाता है, लोग आनंद से परमात्मा का नाम लेते हैं, हरे नाम हरे कृष्ण का स्मरण करते हैं, वहां ये कह रहे हैं हथियार। अरे मुझे समझ में नहीं आती दानिश कुरैशी साहब क्या चाहते हैं इस देश के अंदर, आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है, कम से कम टीवी पर तो आके लोगों के सामने मत करो। दानिश कुरैशी जी एजेंडा बता दीजिए, एजेंडा क्या है, एजेंडा लेके बैठ रहे हैं दानिश कुरैशी जी, आचार्य विक्रमादित्य आपसे एजेंडा पूछ रहे हैं, इस आदमी को टीवी पर आके एक-एक करके वो स्काइप से जुड़ा के आवाज नहीं आ पाई, देता कौन है, झूठा आदमी जो शिवलिंग पर गाली देता है, नहीं नहीं अंदर की सेल करके आया है, आचार्य के बाद यहाँ बैठ के बदतमीजी कर रहा है, झूठ झूठ बोल रहा है बैठ के दानिश कुरैशी, अरे आचार्य कसाई, नहीं 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 शब्दों का प्रयोग नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आचार्य विक्रमादित्य जी न्यूज आपके इस बात का समर्थन नहीं करता है, मैं चाहूंगा डिबेट की गरिमा को बनाकर रखा जाए, हर व्यक्ति का सम्मान किया जाए, मर्यादित शब्दों में डिबेट का हिस्सा बने, आचार्य विक्रमादित्य जी नहीं आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आपको मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दे पाऊंगा, नहीं नहीं आपको मैं ऐसे शब्दों के प्रयोग की अनुमति आपको नहीं दे पाऊंगा। दानिश कुरैशी जी अब आप जवाब दीजिए, जो इन्होंने सवाल पूछा, दानिश जी आपसे सवाल है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ दानिश कुरैशी जी, मैं जवाब ही दे रहा हूँ, देखिए ऐसे आपसे सवाल है कि आपका एजेंडा क्या है, तहदीब की अलामत जिनके पास नहीं है उनसे फिर बात कैसे की जाएगी बताइए पांडे जी, जिनके पास तहदीब की अलामत ही नहीं है क्या बात, अरे झूठा एलिगेशन आप लगा रहे हो जनाब, नहीं नहीं मुद्दे पर रहिए दानिश जी, आचार्य विक्रमादित्य जी मुद्दे पर रहिए, दानिश कुरैशी जी आप जवाब दीजिए, आप मुझे जवाब दीजिए मौलाना एजाजुर रहमान के सवालों पर, इनके पास जानकारी का अभाव है, मैं आपको कह दूं यहां पर जो भी अखाड़े निकलते हैं नहीं 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 देखिए हम डिबेट को दूसरी दिशा में जा रहे हैं, मैं चाहूंगा दानिश जी, नहीं नहीं आचार्य जी और दानिश जी आपको एक सेकंड रुकना होगा, दानिश कुरैशी जी आपको एक सेकंड रुकना होगा, हम डिबेट को दूसरी दिशा में नहीं ले जाना चाहते, मेरा आपसे सीधा सवाल है, अभी मौलाना एजाजुर रहमान ने कहा योगी आदित्यनाथ के फैसले का स्वागत करना चाहिए, इस्लाम में कोई इस तरह का स्थान नहीं है कि अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन हो, ये मौलाना एजाजुर रहमान कह रहे हैं, अब आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या आप सहमत है या नहीं? मौलाना सुनिए, मौलाना अजीजुर रहमान साहब का अपनी कुछ भी ज़हनियत हो सकती है, मैं खुद भी उसमें मानू ना मानू ये और बात हो सकती है, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि ताजियादारी करने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है, आप लखनऊ में जाएंगे तो आपको ताजिया दिखाई देंगे, वहां पे बाकायदा दिखाई देंगे, और उनकी ताजियादारी में उनको हथियारों की मतलब जो परमिसेबल होना चाहिए, अगर उसको लगता है योगी सरकार को उसके लिए बाकायदा परमिट इश्यू करना चाहिए जो उनका हक है, आप उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते ना, मैं ये कह रहा हूँ, आप नहीं मानते ये और बात है, कोई और नहीं मानता ये और बात है, लेकिन मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ कि आप लखनऊ में जाएंगे तो लखनऊ के चप्पे चप्पे में आपको दिखाई पड़ेगा, तो क्या उनको इजाजत नहीं दी जाएगी, जो गलत परंपरा कहीं शुरू हुई उसको हटाने के लिए अभी मौलाना साहब ने बोला, कुरैशी साहब को सामने आना चाहिए कि मौलाना साहब ने बोला कि हिंदुस्तान के अंदर, अरे उनसे ज्यादा आलिम आपको नहीं है ना, उनसे ज्यादा आलिम तो नहीं है, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अगर वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई विधान इस्लाम के अंदर नहीं आता है, हिंदुस्तान में कुछ लोगों ने जबरदस्ती उसको इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास किया, उसको बदला जाना चाहिए, आप आचार्य जी और दानिश कुरैशी जी, आचार्य जी आचार्य विक्रमादित्य भैया जगन्नाथ यात्रा में हथियार लेके चल रहे थे, हद है भाई साहब, मतलब इतनी दुष्टाई की हद है, मतलब दुष्टाई भी कितनी कह सकते हैं, ये ऐसा व्यक्ति जो शिवलिंग पर गाली दे सकता है, शिवलिंग पर अंदर जाने के बाद भी नहीं सुधर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का तो पूरे समाज के सामने मैं कह रहा हूँ संपूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए, ये आदमी जो पार्टी के लोग है उनका एक सिंगल लाइन एजेंडा है कि इस देश में अशांति हो, इस देश में देखिए मर्यादित शब्दों में आप सभी के निजी विचार हैं, जी न्यूज़ बिल्कुल स्पष्ट कर देता है, ये आप दोनों के निजी विचार हैं, हमारे साथ राकेश मैं मुद्दों पे रहना चाहता हूँ, पांडे जी सुनिए, नहीं पांडे जी मैं आपकी बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूँ कि मैंने बिल्कुल शालीनता के साथ बात रखी, और नहीं मैं हम तुरंत रोक रहे हैं दानिश जी, मैं आचार्य विक्रमादित्य जी को भी रोक रहा हूँ और आपको भी रोक रहा हूँ, उनका भाषा मैं बार बार देखिए मैं आप लड़ाई करने की बात, मैं आप दोनों लोगों को रोक रहा हूँ, सभी मेहमानों से ये मैं सभी मेहमानों से ये गुजारिश कर रहा हूँ, नहीं ऐसी भाषा नहीं आचार्य जी, कानून बनाया हथियार लेके मत चलो भैया, क्या दिक्कत है, अगर रोड हथियार लेना है तो आप घर लेके रखो, आप परमिशन लेके आओ, सामूहिक कार्यक्रम में हथियार लेके क्यों चलना चाहते हो, क्यों
दिखा देना चाहते हो, दिखाना चाहते हो कि खौफ दिखाना चाहते हो कि मेरे पास AK-47 है, बम है, ये है, वो है। मुझे बताइए इस देश के अंदर आतंकवादी लेके चलते हैं AK-47? आतंकवादी नहीं नहीं भाई, आतंकवादी है। नहीं नहीं नहीं, आचार्य विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य, दानिश कुरैशी जी, आचार्य विक्रमादित्य जी मुद्दे पर रहिए। नहीं नहीं नहीं, वैज्ञानिक युग है। आचार्य विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, आप मुद्दे पर रहिए। आप बहस को दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। Z News.